الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی رمضان کے مبارک دن اور بہت مبارک راتیں اللہ کی رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کی اپنے گناہگار بندوں کی ایسی راتیں سال بھر میں نہیں ہیں. دن بہت متبرک ہیں لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ دن ذلحج کے مہینے کے ابتدائی جو 9 دن ہیں وہ دن بہت مبارک دن ہیں, اللہ کو اپنے بندوں کے اعمال صالحہ خاص طور پر ان دنوں میں بہت پسند ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان سے زیادہ اللہ کے یہاں برکت اور پسندیدگی کے دن وہ ہیں, لیکن راتیں تو بہرحال رمضان کی تمام سال کی راتوں سے زیادہ متبرک اور بندوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. لیکن اب اللہ نے ہماری تقدیر سے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی تھی, زندگی دی, اور رمضان کے اس مہینے کے دن اور رات ہم نے گزارے جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر سکے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہم نے. اب آج رمضان کا ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہو, وہ رحمت عنایت جو اللہ کی برس رہی تھی, رات اور دن برس رہی تھی, اور اللہ کے بندے اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے
जो अल्लाह ने मुकद्दर फरमाई थी उससे हिस्सा भी हासिल कर रहे थे। अब वो गुजर रही है, खत्म हो रही है, तो किसी को ये न समझना चाहिए कि खुदा की रहमत के दिन और रात बीत गए, अब 9-11 महीने ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह की रहमत नहीं है। ऐसी बात सोचना गलत है। अल्लाह तो रहीम है, हमेशा से रहीम है, आज भी रहीम है और हमेशा रहीम रहेगा। ये तो उसकी सिफत है कि वो रहमान भी है, रहीम भी है। और हम रोज आना, खुदा तौफीक देता है तो नमाज में इसका इकरार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये न समझना चाहिए कि ये दिन और रात बीत गए तो अब रहमत खुदाबंदी भी खत्म हो गई, अब आइंदा साल रमजान आएंगे तो फिर रहमत का दौर चलेगा। ये गलत है। अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए उसने तरीके जो मुतय्यन किए हैं वो साल भर के लिए हैं, रहती दुनिया तक के लिए हैं, दिन और रात के लिए हैं, सफर और हजर के लिए हैं। आदमी कहीं भी हो, किसी भी वक्त हो, अल्लाह की रहमत के दरवाजे चौपट खुले हुए हैं। हमारी कमजोरी है कि हम दुनिया की मोहब्बत में लगकर अल्लाह के उस फैज से फायदा न हासिल कर सकें। यह हमारी बदबख्ती की बात है, वरना अल्लाह की रहमत हर वक्त खुली हुई है। ये अलग बात है कि किसी वक्त और किसी जगह रहमत खुदावंदी जोश पर होती है। अल्लाह ताला लुटा रहा होता है रहमत को। कुछ वक्त ऐसे आते हैं कि रहमत का दरिया बह रहा है मगर जिस जोश के साथ रमजान में बह रहा था वो जोश नहीं है। लेकिन दरिया तो 12 महीने दुनिया की इब्तिदा से आखिर तक रहमत का बह ही रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए मोमिन को अल्लाह का जिक्र करके, नमाजें पढ़कर, कुरान पढ़कर, सदका करके, रोजा रखे, बकदरे इस्तेआत अल्लाह की रहमत से फायदा उठाना, इसके अंदर कोई कमी और रुकावट नहीं है। ये तो हमेशा खुला हुआ है। अल्लाह का अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होना, उनकी दुआओं को कबूल करना, उनके इस्तग़फ़ार और गुनाहों की मग़फ़रत की भीख को कबूल करना, उनके गुनाहों को माफ करके अपनी रहमत की चादर में लेना, ये तो ऐसी चीजें हैं कि जो हमेशा से हैं और हमेशा खुली रहेंगी। ये न समझना चाहिए
कि जो कुछ रमजान में कर रहे थे वो रमजान की खसूसियत थी, नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम हर महीने में रोजा रखा करते थे, और रमजान से एक महीना पहले तो बहुत रोजे रखते थे, जैसे यूं कहा जाए कि गोया के मुतवातिर रोजे रखते थे। रमजान के बाद छह रोजे जिनको शश ईद कहते हैं उनको रखना भी साबित है, और महीनों के इब्तिदा में तीन दिन, कभी आखिर में तीन दिन, कभी दरमियान में तीन दिन, कभी हफ्ते के अंदर दो दिन, ये रोजे हमेशा नबी करीम अलैहिस्सलाम से साबित है। गुजर गया रमजान, गुजर गया, बल्कि मैंने कहा था कि रमजान के अंदर जो मशगले थे इबादत के, रमजान के बाद अगर वो जारी रहते हैं तो ये दलील इस बात की है कि अल्लाह ने रमजान में उन मशगलों को, कुरान के पढ़ने को, रोजा रखने को, तहज्जुद के पढ़ने को, अल्लाह की याद में रोने को जो रमजान में किया था उसे कबूल फरमा लिया। तभी तो रमजान गुजर जाने के बाद भी उसकी सआदत बराबर चालू है, मैसर है। ये नहीं कि रमजान गुजरा तो तहज्जुद गायब, कुरान का पढ़ना खत्म, रोजे रखना खत्म। बीमारी है तो अलग बात है, वरना महीने में कम से कम तीन दिन, वरना हर हफ्ते में दो दिन, और खुदा तौफीक दे इससे भी ज्यादा। कुरान की तिलावत जितनी तौफीक हो जाए पढ़ता रहे आदमी, पढ़ना नहीं आता तो सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ याद आए इसी की तिलावत करता रहे, कुल हुवल्लाहु अहद याद आए इसी की तिलावत करता रहे, तहज्जुद में उठने की कोशिश करे। इसका मतलब क्या है? अगर तौफीक होती है साल भर तो ये निशानी है इस बात की कि जो रमजान में किया था अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, और अगर रमजान गुजरा और सब कुछ छूट गया तो ये अच्छी अलामत नहीं है। इसलिए इसकी कोशिश करते रहना चाहिए, खास तरीके पर अल्लाह का जिक्र करने वाले को। जो सिलसिला रमजान में है पूरी कोशिश करके उस सिलसिले को जिक्र के, इबादत के, तहज्जुद के, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने के, अल्लाह से तौफीक की भीख मांगने के सिलसिले को थमने और रुकने न दे। अगर जिंदगी में इसको उतार लिया तो इससे अल्लाह की इबादत में लज्जत, चाशनी और उसकी कुर्बत इंसान को हासिल होती है। मैंने इसीलिए एक हदीस कुदसी आपके सामने पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी रहमत को किस तरह निछावर करता है वो किसी दिन और महीने के साथ खास नहीं है।
اللہ فرماتا ہے اے آدمی تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا بھیک مانگتا رہے گا چاہے رمضان ہو شوال ہو ذیقعد ہو کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی دن ہو جمعرات اور جمعے کی بھی خصوصیت نہیں ہے اسی مہینے کی خصوصیت نہیں ہے جب بھی مانگے گا میری شرط ہے آس لگا کر مانگے گا دل کی غفلت سے نہیں بلکہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا بھیک مانگے گا اس آس اور امید کے ساتھ کہ اے اللہ میرے درد کی دوا کوئی دینے والا نہیں ہے تیرے سوا میرے درد کو دیکھنے والا میرے درد کو سننے والا دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں میری دعا کو قبول کرنے والا بس تو ہی ہے اس امید کے ساتھ مانگے گا غفرت لک علی ما کا تیرا عمل کتنا ہی خراب ہو میں اس کو معاف کر دوں مغفرت کر دوں گا اللہ کو یہ بہت پسند ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا میری طلب کو کوئی پورا نہیں کر سکتا آدمی جب ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہے اور اللہ یہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہے یہ اس یقین کے ساتھ مجھے یاد کر رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اس کے درد کا درما نہیں ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے یہ بندہ میرا جانتا ہے کہ میں ہی اس کے درد کی دوا دے سکتا ہوں اللہ بہت خوش ہوتا ہے خوش ہو کر کے کیا دے گا فرماتے ہیں میں تیرے گناہوں کی بخشش کر دوں گا یہ سال بھر ہے رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے رمضان کی رات اور دن اس اعتبار سے کہ یہ روزہ شف اللہ اس کو قیامت کے دن زبان دیں گے بولنے کی طاقت دیں گے اور یہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رمضان کے دنوں میں خاص طور پر بھوکا اور پیاسا رکھا ہے اے اللہ میں اب شفاعت کرنے والا اس کی مغفرت کی تیرے پاس آیا ہوں میری شفاعت کو قبول فرما دے یہ صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں تو وہاں کا روزہ گونگا ہوگا بولے گا نہیں وہ روزہ بھی اللہ سے شفاعت کی بھیک مانگے گا اور وہ اجازت دیں گے اور وہ اللہ کے بندے کی شفاعت کرے گا دعا مانگنے پر مقبولیت یہ کوئی رمضان ہی کی خصوصیت نہیں ہے پھر دوسری چیز فرماتے ہیں اے آدمی اگر تو نے اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے پہاڑ بن گیا اتنے بے حد و حساب اور ان گنت گناہ کرنے کے بعد بھی
अगर तू सच्चे दिल से मुझसे इस्तग़फार करेगा, अपने गुनाहों के पहाड़ों की माफी की दरख्वास्त करेगा, तो मैं तेरे गुनाहों के पहाड़ भी माफ कर दूंगा। कोई रमजान की खसूसियत नहीं है। अल्लाह तो हमेशा और हर घड़ी रहमान है, रहम करने वाला है, अपने बंदों पर करम की बारिश करने वाला है। यह अलग बात है कि रहमत का तूफान वो रमजान में चलता है, आंधी चलती है, मगर रहमत 12 महीने अल्लाह की अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे है। फिर तीसरी चीज फरमाते हैं, यबना आदम, ऐ आदमी, अगर तू मौत के वक्त मेरे पास इतने गुनाह लेकर आया, इतने गुनाह लेकर आया, इतने गुनाह लेकर आया कि मेरी सारी जमीन तेरे गुनाहों से भरी हुई, दुनिया में जहां गया जहां पहुंचा मेरी जमीन को गुनाहों से काला कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है, सुम्मा अतैतनी ला तुशरिकु बी शैअन, जिस वक्त तेरी जान निकल रही थी मर रहा था उस वक्त तू मेरा किसी को मेरा शरीक नहीं बनाता था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद को भी रसूलुल्लाह मानता था, लेकिन अल्लाह नहीं मानता था कि मेरा शरीक बनाए किसी को। अगर तूने मेरी इस शर्त को पूरा कर दिया तो तू तो जमीन भर कर गुनाह लेकर मेरे पास आया है मौत के बाद, मैं जमीन भर कर मगफरत लेकर तेरी तरफ आऊंगा। मौत तो आदमी की कोई रमजानी में थोड़ी आती है, रमजान की मौत तो बड़ी सआदत है, लेकिन मौत तो 12 महीने में जिस वक्त भी मुकद्दर है उसी वक्त। खुदा की रहमत आदमी की मौत के वक्त देख रही है कि ये मौत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अकीदे पर हुई नहीं हुई, अगर हुई है और मौत जबान चली तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मगफरत के दरवाजे तो उसी वक्त खुल गए। अब अल्लाह इसकी तरफ मुतवज्जे होगा रहमत और मगफरत लेकर, चाहे किसी दिन भी मौत आए, किसी महीने में भी आए, कोई रमजान के खुशियत। इससे पता चलता है कि रहमत खुदावंदी का दरवाजा 12 महीने खुला हुआ है, रमजान की खसूसियत नहीं है। ये सही है कि रहमत का जो तूफान उंडेला जाता है, उमंडता है, उसके लिए अल्लाह ने रमजान को, और खसूसियत से रमजान के आखिर आशरे के दिन और रातों को
अल्लाह ने खास फरमा दिया है। ये न समझना चाहिए कि इसके अलावा जो दूसरे महीने और दिन हैं उनमें रहमत नहीं है। नहीं, रहमत तो अल्लाह की हर वक्त, हर जमाने, हर मौसम, हर महीने, हर दिन और हर रात में। इसलिए जिक्र करने वाले को अल्लाह की इस रहमत का ख्याल करके, ख्याल बांध कर, मजबूत करके अल्लाह की याद पाबंदी के साथ हमेशा करनी चाहिए और उस तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके से उसका फायदा होता है कि पाबंदी के साथ दिल को दुनिया से समेट कर सिर्फ अल्लाह की तरफ लगाकर अपने दिल की गहराइयों से इखलास के साथ कि आए अल्लाह सिर्फ तेरी रिजा ही के लिए कर रहा हूं, अल्लाह का जिक्र हमेशा करना चाहिए। अगर ये ख्याल करेगा कि रमजान गुजर गया, सब खत्म हो गया, तो इसका खतरा है कि कहीं खुदा न खास्ता रमजान का किया धरा भी अकारत न हो। इसका ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह से इसकी दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह इस तौफीक को जो रमजान में अता फरमाई है इसको इस्तिमरारन पाबंदी के साथ बराबर इस तौफीक को बाकी और जारी रखें ताकि हम अपनी आखिरत को आबाद कर सकें, अल्लाह की रहमत के ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक हो सके। इसलिए कि हर दिन मौत से करीब करने वाला है, आखिरत को हमसे करीब करने वाला है, कयामत को करीब करने वाला है। हर आदमी को मौत की हर आने वाले दिन में गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि मौत मज़ीद एक दिन करीब हो गई है। इसकी हमेशा कोशिश करनी चाहिए और ये दुआ करते रहना चाहिए कि आए अल्लाह अगर रमजान मुकद्दर है और जिंदगी है तो दीन और ईमान की पर मजबूती से जमे रहने की तौफीक अता फरमाए, और अगर मौत मुकद्दर है तो अच्छी मौत हुस्न खातिमा अता फरमाए। अल्लाह अपने फजल करम से नवाजे, खैरात बरकात से नवाजता रहे, अपने जिक्र की पाबंदी के साथ तौफीक हर एक को अता फरमाए, शुरू और फितन से माफूर करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।